दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए एक दूसरी वेबसाइट यानी नई वेबसाइट लॉन्च की गई थी, जिसकी हेल्प से आप अपना आयुष्मान कार्ड को बना सकते थे या फिर उसको डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि आपको उसको अपना आयुष्मान कार्ड को बनाने के लिए, डाउनलोड करने के लिए उसमें ID और पासवर्ड बनाना पड़ता था। तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप इस पर अपना ID पासवर्ड कैसे बना सकते हैं और उससे अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं और उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसी हैं फ्रेंड, जहां पर पहले, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, जहां पर आप पहले आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने जा रहे थे तो आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड तो हो जाता है, लेकिन जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना था उनका लिस्ट में नाम था, तो आप बनाने जा रहे थे उत्तर प्रदेश के निवासियों का। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको मालूम होगा ये प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो रही होगी। तो वहां पर ओनली राशन कार्ड का ऑप्शन आ रहा था जब आप बनाने जा रहे थे, तो वहां पर राशन कार्ड नंबर आप जब डालते थे तो वहां पर राशन कार्ड नॉट डिटेल्स फाउंड ये सब लिखकर आ रहा था आपके, मतलब यानी आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था। तो सरकार ने इस वेबसाइट को अपडेट कर दिया है, इसमें न्यू अपडेट आया है। अब जहां पर आपको देखिए राशन कार्ड का ऑप्शन तो मिल ही रहा है और वहां पर एक ऑप्शन और जुड़ गया है आधार कार्ड का, तो आप आधार नंबर के जरिए भी अपना आयुष्मान कार्ड आप बना सकेंगे। और अगर आप राशन कार्ड के जरिए भी बना रहे हैं तो आप जैसे ही राशन कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो आपकी पूरी डिटेल्स बनकर आ जा रही है और अपना आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप इस नई तरीके से अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है setupmjay.gov.in। आपके सामने नंबर फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप जैसी लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इसी पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड कार्ड का, इस पर आपको क्लिक देना है। इसकी आईडी और पासवर्ड कैसे लेते हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करते ही आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे, यहां पर आपकी लॉग इन आईडी लिखकर आएगी, यहां पर आपको एक वेरीफाई का ऑप्शन भी दिखेगा, वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहां पर आपको डाल देना है और वैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। OTP डालते ही आपके सामने लिखकर आ जाएगा OTP हैज बीन वेरीफाई सक्सेसफुली, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने सर्चिंग चलने लगेगी और आप एक नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पर आपको अपना नाम सर्च करना है, अगर आपको आपका HHID नंबर मालूम है तो आप इसके जरिए अपना नाम सर्च कर सकते डायरेक्ट। जैसे ही आप HHID नंबर डालेंगे तो आप अपना नाम सर्च कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको करना है क्या होगा, यहाँ पर होम लिखा आ रहा है ऊपर, इधर थ्री लाइंस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको PMJAY पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा HHID अप्लाई डाउनलोड कार्ड कर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप इस तरीके के पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आकर आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है कि आप रूरल क्षेत्र से हैं या अर्बन, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल पर क्लिक करना है और शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टेट पर आपको क्लिक करके अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर HHID नंबर डाला है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको अपना HHID नंबर डाल देना है। उसके बाद गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपके फैमिली में जितने भी मेम्बर ऐड होंगे सबकी यहाँ पर इस तरीके से डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। अब लेकिन बात आती है दोस्तों, अगर आपके पास HHID नंबर आपका नहीं है तब आप कैसे अपना नाम निकालेंगे, तो उसके लिए आपको देखिए इस तरीके से थ्री लाइन्स पर आपको क्लिक करना होगा
होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई डाउनलोड आयुष्मान कार्ड करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप फिर से एक नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। अब फिर से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप रूरल हैं या अर्बन है, यानी शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो भी हो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपनी स्टेट को चूज कर लेना है। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश है तो हमने उत्तर प्रदेश चूज कर ली। उसके बाद आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ से आकर सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए सेलेक्ट ब्लॉक पर क्लिक करना और अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट वार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आकर जो भी आपका वार्ड हो वो यहाँ से आकर सेलेक्ट कर लेना है। अब फ्रेंड्स अगर आपको नहीं मालूम है वार्ड आपका कौन सा है तो आप एक एक करके सभी वार्ड को चेक कर लीजिए। अब जैसे फ्रेंड देखिए आप अपने वार्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सर्चिंग चलने लगेगी और आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप तो या तो स्क्रॉल करके अपना नेम चेक कर सकते हैं, आपको इससे काफ़ी परेशानी भी होगी, आपको एक एक नाम चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए एक ऊपर सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप सर्च पर अपना नाम जैसे ही आप टाइप करेंगे, जैसे मेरा नाम है आदिल मैं टाइप करता हूँ, तो देखिए नंबर फर्स्ट पर ही मेरा नाम लिखकर आ गया एमडी आदिल। तो इस तरीके से आप अपना नेम सर्च कर सकते हैं, जैसे हमने नाम सर्च किया मेरा नंबर फर्स्ट पर आ गया है, तो आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है कि हमारा कार्ड बना हुआ नहीं है। तो बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, व्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स लिखकर आ जाएगी। अब फ्रेंड्स होता क्या था, पहले जब हम अप्लाई करने जा रहे थे तो वहाँ पर केवल राशन कार्ड का ऑप्शन था और हम राशन कार्ड पर क्लिक करते थे और राशन कार्ड नंबर डालते थे, लेकिन तो हमारी डिटेल्स बनकर नहीं आ रही थी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर आप राशन कार्ड नंबर डालेंगे और गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी राशन डिटेल्स भी आ जा रही है और यहाँ पर एक और ऑप्शन जोड़ दिया गया है आधार का। तो आप आधार पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस पेज पर आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आधार पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे तो इस तरीके से आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपका राशन कार्ड नंबर आ जाएगा, जैसे फैमिली आईडी लिखी है, यहाँ पर मेंबर आईडी बनकर आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आपके नेम बनकर आ जाएंगे, जेंडर आपकी पूरी डिटेल्स लिखकर आ जाएगी और रिलेशन लिखकर आ जाएगा आपका, जो आपके फादर्स मदर का नेम डला है या पति का नाम डला है, आपकी ईयर ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आकर सेलेक्ट करना है, अब आपका जो जहाँ पर भी नाम लिखा हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हमारे तीसरे नंबर पर नाम लिखा है आदिल, तो हम तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लिख कर आ जाएगा आपके सामने बेनिफिशियरी राशन कार्ड डिटेल्स इज मैच्ड विद एसईसीसी डिटेल्स। तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, इसके बाद जैसे ही आप अपने नाम पर टैप करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके का पेज आ जाएगा, एक न्यू पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है जो आपके आधार कार्ड में है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंटर योर डिटेल्स एज पर आधार, तो यहाँ पर आपको आपका नेम डाल देना है जो आपके आधार कार्ड में अवेलेबल है। उसके बाद गार्जियन नेम डाल देना है, यानी यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड में गार्जियन में आपके फादर का नेम पड़ा है तो फादर डाल दीजिए, और अगर आप महिला हैं, अगर आपके पति का नाम पड़ा है तो आप यहाँ पर अपने पति का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर पर क्लिक करके आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। फिर आपके जो आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको देखिए ऑप्शन पूछ रहा है कि आप किसके जरिए अपनी केवाईसी करेंगे, ओटीपी के जरिए। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास फ्रेंड फिंगर डिवाइस है तो आप फिंगरप्रिंट स्कैन करके भी अपना जो आयुष्मान कार्ड है उसको बना सकते हैं। तो जैसे हम देखिए ओटीपी के जरिए करते हैं, तो हम यहां पर ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहां पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके सामने देखिए इस तरीके से नीचे लिखकर आ जाएगा
जाएगा कि आपका जो OTP है वो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है और नीचे सेकंड चल रहे हैं। आपको उस OTP को यहाँ पर देखिए, जो जितने सेकंड चल रहे हैं इसी के अंदर उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आई एग्री का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक मैसेज भी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो बनकर आ जाएगा और आपने जो डिटेल्स भरी है वो सब यहाँ पर फिलअप होकर आ जाएगी। आपका नेम यानी आपके आधार कार्ड से आपकी जो डिटेल्स है वो सारी कैच कर ली जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जो जो अभी आपने फिलअप की है या फिर आपने जो अभी मतलब डाली है। तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको देखिए आपका आयुष्मान कार्ड नंबर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा आई हेयर बाई का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ये कैप्चा देखने को मिलेगा, उस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है फिनिश का, तो आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके से लिखकर आ जाएगा बेनिफिशियरी eKYC हैज़ बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड और रेफरेंस ID आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपके जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक मैसेज भी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखकर आ गया है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हमने सबमिट कर ली है और रेफरेंस ID भी दी गई है, इसके ज़रिए हम इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपकी सबमिट हो चुकी है। अब आपको देखिए सर्च कैसे करना है, तो आपको बैक सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। बैक सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए आप इसके होम पेज पर पहुँच जाएंगे। फिर से यहाँ पर आकर आपको देखिए अपना रूरल या अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट ब्लॉक पर क्लिक करके आपको अपना ब्लॉक चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आकर आपको अपना वार्ड चूज कर लेना है। वार्ड चूज करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए अपना नाम सर्च कर लेना है। यहाँ पर आकर यहाँ पर देखिए आपकी रेफरेंस ID जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको देखिए जैसे अभी स्टेटस शो हो रहा है कार्ड नॉट मेड, यानी अभी हमारी जो प्रोसेस है वो अभी अंडर प्रोसेस है, यानी अभी हमने अभी अप्लाई किया है। तो यहाँ से आकर आपको फ्रेंड देखिए जैसे डाउनलोड लिख कर आने लगे ग्रीन रंग से, तो आपका समझ लीजिए आपका आयुष्मान कार्ड बन गया। अगर आप देखिए जैसे यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे, अब आप इस तरीके पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर लिख कर आएगा योर कार्ड हैज़ बीन जनरेटेड फॉर डाउनलोड, प्लीज़ एंटर योर लिंक मोबाइल नंबर आधार नंबर। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर अभी डालेंगे और OTP डालेंगे तो यहाँ पर ये लिख कर आ जाएगा बेनिफिशियरी कार्ड अभी जनरेटेड, यानी अभी आपका जो कार्ड है अंडर प्रोसेस है। आपका लगभग 1 से 2 दिन में आपका जो कार्ड है बन जाएगा और आपको इसी तरीके से आना है और डाउनलोड कर लेना है ये सब डिटेल्स डालकर। अब यहाँ से आकर फ्रेंड देखिए आप ऐड मेंबर पर क्लिक करके अपने फैमिली मेंबर को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए जैसे पहले ऑप्शन बंद हो गया था राशन कार्ड का ऑप्शन पर आप क्लिक कर रहे तो कुछ डिटेल्स नहीं आ रही थी, तो अब आपकी डिटेल्स आने लगी है। तो आप इस तरीके से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं या फिर किसी दूसरे का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप इस नए तरीके से अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।